Hey guys, welcome back to our new video. और आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ Husqvarna की ये Vitz Pillion 250 कैफे रेसर लुक में ये बाइक है भाई। और सबसे खास बात बताऊँ इस बाइक की, तो भाई 250 सीसी सेगमेंट में पावर एंड टॉर्क के मामले में इस बाइक को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस बाइक की डिटेल में, क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है इस बाइक के साथ और कितना प्राइस रखा है कंपनी ने इस बाइक का। सो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं गाड़ी के लुक्स एंड डिजाइन से। तो भाई फ्रंट, रियर एंड साइड तीनों ही एंगल से भाई गाड़ी का जो लुक है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और ये रोड प्रेजेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है इस बाइक का। अगर आप कहीं भी इसको लेके चल रहे हो तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, उनका सवाल सबसे पहला ये रहता है आखिरकार बाइक कौन सी है और कितने की है। प्राइसिंग की अगर बात करें इस बाइक की तो 2,50,000 रुपीज एक्स शोरूम रीवा मध्य प्रदेश में है, एंड ऑन रोड अगर बात करें तो 2,72,000 रुपीज में आपको ये मिल जाती है हमारे रीवा मध्य प्रदेश में। तो 2,72,000 रुपए आप दे के इस बाइक हमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो आप देखते जाओ। सो भाई फ्रंट में जो हेड लैम्प्स है ना वो पूरा राउंड शेप में दिया गया है, एंड यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं और फ्रंट हेड लैम्प्स हैं, DRLs हैं, सारे ही चीज़ें इसमें आपको LED मिलती है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। जो गाड़ी की की है वो आपको यहाँ टैंक पैड पे लगती है, और ये देखो आप यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और LED पूरी यहाँ पे आपको DRLs मिलती है, एंड यहाँ पे LED लाइट भी मिल जाती है आपको यहाँ। इनका थ्रो नाइट में काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। सस्पेंशन की बात करें तो भाई इसमें आपको 43mm के USD फोक सस्पेंशन मिलते हैं WP Apex के, एंड अगर इसके डिस्क साइज़ की बात करें तो भाई इसमें आपको 320mm के फ्रंट डिस्क साइज मिलती है। सो गाइस अब साइड लुक की अगर बात करें तो साइड से जो गाड़ी का लुक है आप देख लो कुछ ऐसा आ रहा है, एंड रेडिएटर जो है इसका वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड हॉर्न की जो प्लेसिंग है वो भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाती है, और एग्जॉस्ट की जो पाइप है वो आपको रेडिएटर के नीचे से ही निकल रही है। अब इंजन की बात करते हैं तो गाइस इसमें आपको सेम ड्यूक 250 वाला ही इंजन देखने को मिलने वाला है, 24 Nm का टॉर्क और 30 PS की पावर के साथ। साथ ही साथ अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई इसमें आपको 140mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है आपको। एंड साथ ही में इसकी टेल लाइट को बात करें तो भाई इसमें आपको 3D लुक देता है इसकी टेल लाइट, LED में ही ये भी आपको मिल जाती है। एंड रियर टायर सेक्शन की बात करें तो 150x60 R17 inches के अच्छे खासे आपको ब्रॉड टायर मिल जाते हैं जो इसके रियर लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। सो बात कर लेते हैं साइड एग्जॉस्ट की गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एक बार लुक चेक कर लो गाइस, काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है गाड़ी के डिज़ाइन के साथ। एंड अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सीट्स की, तो भाई इसकी जो कुशनिंग है वो ठीक ठाक ही है, दो बंदे आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं। एंड अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है इस गाड़ी में। मुझे नहीं लगता गाइस कि ये कम है लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हमारी राइड को। बाकी आप की देख लो इसकी, यहाँ आपको टैंक में लगाने को की ऑप्शन मिलता है। बाकी इसकी जो की है कुछ ऐसी लगती है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको राउंड शेप में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फ्यूल, रेंज। इसमें दो मोड मिलते हैं, रोड एंड सुपर मोटो, तो वो आप ऑपरेट कर सकते हो स्विच से। बाकी जो बटन्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, इलिमिनेटेड सारे लोगो मिल जाएंगे बटन्स के। एंड अब आप चेक करो इसके हॉर्न का साउंड और एग्जॉस्ट का साउंड। गाइस ये थी वीडियो Husqvarna Vitz Pillion 250 की। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।